ये हैं अलाउद्दीन खिलजी के जमाने के सिक्के जो कि चांदी के बने हुए हैं और ये 20 है भैया। इनकी कीमत क्या है? ये इसके क्या प्राइस अंकल? ये सिर्फ 50 रुपए का है, 1/4 आना 1959 का। भाई 500 रुपीज का नोट कितने का? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीज़ा। मैं हूँ यासर और आज आपको लेकर आ गया हूँ इंदिरा गांधी स्टेडियम, क्योंकि यहाँ पर चल रही है दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मैं जितनी भी एग्जीबिशंस में गया हूँ कॉइन्स की, ये अब तक की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। यहाँ पर जो है आप अपने पुराने सिक्के और नोट बेच सकते हैं, और अगर आपको पुराने नोट या सिक्के खरीदने हैं तो आप खरीद भी सकते हैं। तो चलिए, ये जो है जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे वहाँ अंदर की ओर चल रही है, अभी हम अंदर भी जाएंगे। पहले मैं आपको दे देता हूँ यहाँ की थोड़ी सी जानकारी। देखिए यहाँ का जो इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है दिल्ली रंग फेयर 2023। यहाँ इसकी जो डेट्स हैं वो है 5, 6, 7 मई। टाइमिंग जो है वो है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। पार्किंग यहाँ बिल्कुल फ्री है, बाहरी आप अपनी कार या बाइक खड़ी कर सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट है और एंट्री एकदम फ्री है। ये हो गई बेसिक से डिटेल। चलिए आइए जल्दी से अंदर की ओर चलते हैं और इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कॉइन एग्जीबिशन में जाता रहता हूं और आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए जल्दी से अंदर की ओर चलते हैं और इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंदिरा गांधी स्टेडियम है और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है पुरानी करेंसी लेकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं। ये देखिए, सो अभी तो मैं अंदर नहीं गया हूँ, अंदर जाके भी एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन अगर आप आते हैं तो बाहर ही अपनी जो करेंसी है उसको बेच सकते हैं, या अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ये देखिए, ये इसके क्या प्राइस अंकल? ये सिर्फ 50 रुपए का है, 1/4 आना 1959 का। अंकल कुछ ज्यादा चीख रहे हैं, दीदी दीदी आवाज आ रही होगी। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भाई गड्डी लिए हुए थे, ये देखिए। अभी मैं माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, अंदर जाके माइक यूज करूंगा, पता नहीं चार्जिंग है या नहीं। ये देखिए 1 रुपए का सिक्का, ये 1-1 रुपए का सिक्का कितने का है? ये 1 रुपए का नोट 20 रुपए में कितने है इसमें? 20 रुपए का ये एक है, इसमें ज्यादा है ना, इसमें ज्यादा है। और ये वाला पुराना वाला 100 रुपए का, ये 500 रुपए का। ये कौन से सन का है? ये कौन से सन का है? सन नहीं होते समय। हाँ मतलब फिर भी समय की बार वो होता था। अच्छा ये वाला गवर्नर मैटर करता है। और ये वाला, ये देखिए, ये जो लेके घूमती हूँ ना, ये अंकल ये कितने का है? 700 रुपए का है, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं राणा मनहोत्रा। ठीक है, और अगर कोई आपके पास आके बेचना चाहे तो खरीदते हैं आप? ठीक है, खरीदते भी है ना, मतलब खरीदते भी है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सो ये मैंने आपको बाहर का नजारा दिखा दिया है, चलते हैं अंदर की ओर, अंदर से इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं था वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया पुराने नोटों की खरीद व फरोख्त चल रही है। ये देखिए यहाँ का पोस्टर दिल्ली रंग फेयर 2023। चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं, ये है हमारा मेन एंट्री। तो मैं जो है अपना माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने उसमें चार्जिंग नहीं की थी। देखिए जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं ना, हमें कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। थोड़ा सा जो नॉइस है वो चला दीजिएगा। ये देखिए, स्टार की ये अपनी कलेक्शन की। अच्छा, आपने कलेक्ट की है। वैसे इसकी कीमत क्या है? कीमत नहीं है, ये कलेक्शन के लिए अपनी रखी हुई। फिर भी
मतलब मैं वैसी जंग में पूछना चाहता हूँ अंकल भी ने कलेक्ट किया हो नहीं है क्या ना अच्छा उसमें सेकंड भैया इधर आइए बोल करो अच्छा अंकल आप खरीदते भी हैं कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो सोनू भाई हमारे पहले भी ओपी है आप सेकंड आप यूट्यूबर हैं जी नहीं प्लीज अच्छा यूट्यूब पे नंबर शेयर नहीं करूंगा मतलब वैसे पूछ रहा हूं मैं अगर आपसे कोई खरीदना बेचना चाहे तो ले रहे हैं हम यहां पे ठीक है यहां पर आ सकते हैं आ सकते हैं बिल्कुल 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 तो दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं ये देखिए ये गोल्ड के हैं यहाँ पर तो भाई खजाना है पुराने सिक्कों नोटों का ये वाला एक दूसरे का सिक्का कितना है अच्छा आ रहे हैं भैया पता है याली एग्जीबिशन में यही प्रॉब्लम होती है ठीक से प्राइस वगैरह नहीं बताते ये देखो ये कितने का नहीं कोई बीच में नहीं तो ना फोन पे लगे हुए भैया चलो आगे पता करते हैं कोई बता दे तो इन्फॉर्मेशन दे दे तो और कम हो जाएंगे दिवाली जब 2000 की है भाई 500 रुपीज़ का नोट कितने का ये वाला और इधर ये एन जी कितने का ये 500 का कितने का मोबाइल जब कर लेंगे वो अच्छा वो अलाउ नहीं है 45,000 अरे कोई ना कर रहा बहुत जाता हूँ मैं ऐसे एग्जीबिशन में पहली बार थोड़ी आया हूँ मोबाइल जब करके क्या कर लेंगे भाई देखिए 45,000 का वो नोट था इसका 75 होता है इसका 75 इसके कितने का ये भी मेरे पास आई नोट 100 पीस है अब है क्या सेल का नहीं है अच्छा अपने अपने कलेक्शन का ठीक है ये हमसे बात हो गई वो कुछ बका तो रहे थे क्या है कितने की रिम होती है ये है 9,500 पेंटिंग्स वगैरह भी हैं लेकिन इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है ये देखिए ये होल्डर्स हैं नोट्स हैं ये कंपास हैं कंपास हैं या अलग कुछ कंपास भी हैं अच्छा कॉइन्स हैं ये सर किस तरह के कॉइन्स हैं पहली बार कॉइन प्रॉब्लम है आपको अगर ये फोल्डर्स खरीदना है तो आप ये फोल्डर भी खरीद सकते हैं जिसमें आप अपने नोट कॉइंस वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं ये फोल्डर कितने का है उसमें कितने उसमें कितने पेजेस होंगे 201 लगा सकते हैं 550 का है इसके अलावा ये देखिए इस तरह से कुछ लगा सकते हैं कॉइंस वगैरह कलेक्ट करते हैं देखिए जहाँ तक मुझे लगता है वीडियो में देखिए हर चीज़ नहीं आ पाती है हर चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है ये पुरानी गोल्ड करेंसी है सारी ये तो आपने देखा होगा ये कितने का भैया 50 रुपीज़ का है और ये 20 पैसे ये 30 तो इसमें सब चीज़ नहीं आ पाती है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ हो सकता है थोड़ा क्लियर हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये दूसरी कंट्रीज की करेंसी है ये कुछ स्टैम्प पेपर्स हैं ये भी कलेक्टिव होते हैं कॉइन्स वगैरह हैं ये कहाँ का है भैया वीडियो लेना अच्छा अच्छा ठीक बता तो देंगे कहाँ का है वो
कौन सा? ये वाला डिस्प्ले ये आपने कलेक्ट किया हुआ सॉरी डिस्प्ले 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 सर 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 प्लीज अच्छा जी अच्छा सर 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 प्लीज 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 कंटेंट के लिए ले रहा हूँ अगर ये रेट ठीक लगाओ 1100 के करीब एक मिनट देखूँ मैं सिर्फ देख रहा हूँ कौन सा सिल्क है हेलो ये 1917 का इसकी वैल्यू क्या है कितनी वैल्यू है हाँ जी ये पड़ेगा जी 1100 ये सेम कॉइन है एक्चुअली मेरे पास इसलिए पूछ रहा था मैं आपसे ये 1100 रुपये का है related to any China. This is France, Cambodia, Vietnam. भाई काफ़ी बड़ा है काफ़ी बड़ा है कहाँ से शुरू करा कहाँ खत्म करना है कुछ पता नहीं लग रहा है अंकल ये 1 रुपये की गड्डी कितने की है अभी नहीं है खाना खाने का अंकल ये 1 रुपये की गड्डी कितने की है दुकानदार नहीं है अभी हम ऐसे बैठे अच्छा दुकानदार नहीं है नहीं देखिए कुछ एंटीक ये वॉच ये लोग ओल्ड वॉचेस खरीदते हैं 1500 रुपये ऐसा क्या खास है विंटेज है विंटेज ये जितने भी हैं तो सबसे पहले ओमेगा जो ब्रांड है बहुत लग्जरी ब्रांड है वॉच है मैंने देख लिया और प्लस ये वर्किंग कंडीशन है विंटेज है तो डबल रेयर हो गई चीज़ अगर ये है ये कितने की पड़ेगी आप इसके एम आर पी देखेंगे ना इसके एम आर पी 2 लाख समथिंग है बट मैं आपको यहाँ पे एग्जीबिशन में आपको 25,000 देखिए मिल जाएगा और इसके अलावा मेरे पास विंटेज कलेक्शन में बहुत सारे कलेक्शन में वॉचेज हैं ये देखिए ये आपने देखी होगी दादाजी रखते थे हमारी चलिए वाह ये पोस्ट कार्ड अच्छा ये आंध्र कौन सा है ये एपीएस बोल रहे हैं आर्मी पोस्टल सर्विस अच्छा अच्छा आर्मी पोस्टल सर्विस का है ये देखो मुझे लगा था शायद भैया अपने में परचेज कर रहा है लेकिन ये आर्मी का ही है भैया ये वाला कितने का है पॉइंट ये कौन से सन का है मतलब कौन से जमाने का है जिसका भी स्टॉल है वो भी आ रहा है अच्छा आ रहा है यहाँ सब अपना स्टॉल छोड़ के गए हुए हैं क्या नहीं सर गए नहीं जिससे पूछा वो कहता है भाई स्टॉल छोड़ के गए हुए हैं ये देखिए आपको शायद दिख रहा है ठीक से या तो मुगल पीरियड के हैं या सल्तनत पीरियड के हैं लोधी काल के मतलब इसी दौरान के हैं इसी दौर के हैं कितना दे दिया पेमेंट डाल दिया
पूरा सेट पड़ा है। दस के नोट की गड्डी कितने की? ये वीडियो मत बनाओ। अच्छा नहीं बना रहे, परमिशन दो। अच्छा भाई साहब बिल्कुल, सबसे परमिशन लेता फिर हूँ मैं एक एक से। सो दोस्तों ये कॉइन एग्जीबिशन है, यहाँ पर देखिए जितने लोग बता सकते थे, जितने लोगों ने कॉपरेट करा उन्होंने बता दिया, बाकी आपको मैं घुमा ही चुका हूँ। अभी इवेंट चल रहा है कुछ, यहाँ पर डिटेल्स दी जा रही हैं, कुछ डिस्प्ले पर आपको दिख रहा हो तो देखो उस पर वैल्यू भी दिखा रहे हैं, है ना, 6,000 रुपये दिखा। तो ये सारी डिटेल है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर बैठ जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पोस्ट कार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं जैसे अमृतपैक्स एग्जीबिशन में लगे हुए। तो दोस्तों ये थी दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाई है। मैं अंदर गया, जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकता था मैंने ली है, लेकिन लोगों ने कैमरे पे इन्फॉर्मेशन देने से मना ही किया है। जब मैंने कैमरा बंद कर दिया तो सब मुझे अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। देखिए प्रॉब्लम ये है कि लोग वीडियोज़ देखते हैं, फेक फेक वीडियोज़ देख देते हैं, उसमें फेक फेक प्राइस बता रखे होते हैं, तो वो यहाँ आ जाते हैं अपने पैसे लेके, सिक्के लेके और अंधाधुंध पैसे मांगने लगते हैं। देखिए हर कोई जो है पुराना सिक्का रेयर नहीं होता, हर कोई पुराना सिक्का कॉस्टली नहीं होता। अब आप सोचते हैं कि आपके पास कोई 50 पैसे मान लीजिए सन 1948 या 1950-50 का पड़ा हुआ है, तो आप सोचेंगे भाई ये तो बहुत रेयर हो गया, इसके तो हमें लाखों मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए रेयर कॉइन वही होता है जो कम मात्रा में सरकार जिसको बनाती है। मान लीजिए अभी के टाइम में 2023 में सरकार एक सिक्का लॉन्च करती है 10 रुपये का और फिर उसको एकदम से बंद कर देती है, वो सिर्फ मान लो 1,000 बने, तो भाई उसकी भी कीमत होगी, उसकी जो कीमत होगी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी कीमत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि भैया जो सिक्के हमारे पास कम क्वांटिटी में होते हैं वही रेयर होते हैं, हर पुराना सिक्का कीमती नहीं होता है, लाखों रुपए का नहीं होता है। तो चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, अब चलिए अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और देखिए इस पर कमेंट करके मुझसे कुछ मत पूछिएगा, मुझे आगे इन जो है नहीं पता है कुछ भी, मतलब इन कॉइन्स वगैरह के बारे में बहुत सारे लोग मुझे ही बायर समझ बैठते हैं और मेरे को मैसेज कर करके मेरे से नंबर मांगने लगते हैं और कहते हैं सर हमारे पास ये सिक्का है वो सिक्का है, ना मैं सिक्के खरीदता हूँ ना मैं बेचता हूँ, बस आपके लिए मैं ऐसी एग्जीबिशन ढूंढ कर लाता हूँ जहाँ पर आप आकर अपने सिक्के और कॉइन्स वगैरह बेच सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो करता हूँ समाप्त, मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी जगह किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें मेरे साथ।